पालघर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस घटना को जो भी सुनता है वह सन रह जाता है। 3 दिन पहले पालघर से यात्रियों को लेकर नासिक गया कार चालक आसिफ घाची अचानक लापता हो गया है। कार चालक की तलाश में उसके परिजन और पालघर पुलिस जुटी हुई है। अब आसिफ के परिजनों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। जूना पालघर के रहने वाले कार चालक आसिफ घाची के चाचा ने बताया कि 3 दिन पहले पालघर रेलवे स्टेशन पर उनके भतीजे से करीब 3 अज्ञात लोगों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें नासिक जाना है और भाड़े से गाड़ी चाहिए, जिसके बाद आसिफ ने अपने एक दोस्त का नंबर देते हुए कहा कि इनसे बात कर लीजिए, लेकिन उन अज्ञात लोगों का डिमांड था कि उन्हें टूरिस्ट कार नहीं बल्कि प्राइवेट कार चाहिए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने चाय वाले के मोबाइल से कार मालक को फ़ोन किया, जिसके बाद कार मालक ने आसिफ से कार को लेकर नासिक जाने को कहा। नासिक जाने की बात कहकर घर से निकले आसिफ का नासिक के टोल के पास पहुंचने से पहले ही अपने परिजनों से उनका संपर्क टूट गया, जिसके बाद आसिफ के परिजनों ने पालघर पुलिस स्टेशन में इस घटना का मामला दर्ज करवाया। अब पालघर पुलिस की टीम और आसिफ के परिजन जो है उसे ढूंढने के लिए जुटे हुए हैं। अगर यह युवक आपको कहीं दिखाई देता है तो नीचे लिखे नंबर पर आप तुरंत संपर्क करें। बोलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम घाची है। हाँ, आखिर क्या हुआ है? ये मेरे भाई का लड़का है, इसको शनिवार को पालघर स्टेशन पे अनजान आदमी 3 आए कि इनको 4-व्हीलर गाड़ी मिलता है भाड़े पे। ने वो लोग ने ऐसा भी बोला कि इनको पीला नंबर का गाड़ी नहीं मांगता है, पीला टूरिस्ट वाला प्राइवेट मांगता है। तो मेरे भाई के लड़के ने उसके दोस्त का गाड़ी था उसका नंबर दिया कि इनके पास गाड़ी है, आपको नासिक जाना है तो ये नंबर पे बोलो तो आएगा। फिर वो लोग 1:30 बजे उनकी मुलाकात हुई थी, बाद में वो नंबर दे के चले गया। अब मेरा भाई ऑटो चलाता, भाई का लड़का ऑटो चलाता है, फिर वो अपने धंधे पे था। फिर 4 बजे वो लोग ने जो नंबर दिया उसको एक वड़ा पाव वाले के पास जाके वड़ा पाव खाए, फिर वड़ा पाव वाले के नंबर से वो लोग ने गाड़ी वाले को कांटेक्ट किया। वड़ा पाव वाले को बोला कि हमारा रिचार्ज खलास हो चुका है, जरा हमको एक फ़ोन करने दो। तो वड़ा पाव वाले ने उसको फ़ोन करने फ़ोन दिया अपना, तो उस फ़ोन पे से गाड़ी बुलाया और भाड़ा थरा के वो नासिक के लिए निकला। फिर वो गाड़ी वाला और हमारा भाई का लड़का का दोस्त है, तो फिर उसको मेरे भाई के लड़के को बोला तू चाह नासिक गाड़ी लेके, बदली में जाता है वो। तो वो नासिक के लिए रवाना हो गया 4:30 बजे पालघर से। फिर नासिक पहुँचने के बाद उन्होंने हमारे भाई के लड़के का कांटेक्ट ख़त्म हो गया। हम रिंग करते वो नहीं उठा रहा है, रात भर हमने रिंग किया नहीं उठा रहा है। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से भी बोला कि तो हम आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते। अभी एक पुलिस नासिक के आगे गाड़ी निकल गया, पर अभी हम पालघर पुलिस स्टेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको ये मदद करे और हमारे भाई के लड़के को ढूंढने में जल्दी से जल्दी मदद करे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।